दोस्तों आप लोगों को पता है कि KTM की जो ड्यूक 490 है वो भी इंडियन मार्केट में काफ़ी दिनों से अपकमिंग है। इस बाइक का भी काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहा है कि KTM कब ट्विन सिलेंडर यानी कि डुअल सिलेंडर में जो है इंडियन मार्केट में कदम रखेगी। हालांकि इनकी 790 ज़रूर आती थी ट्विन सिलेंडर के साथ में, बट राइट नाउ अभी भी उस बाइक को भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। दोस्तों आज के शो में बात करेंगे ड्यूक 490 के बारे में, और आपको पता ही है भाई ड्यूक सबकी प्यारी बाइक है, सबकी लवर बाइक है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। सो आज के इस वीडियो में दोस्तों अगर आपको ड्यूक 490 के बारे में जानना है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए फिर दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं KTM ड्यूक 490 के बारे में। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं KTM ड्यूक 490 के आने के क्या प्लान है, कब तक ये बाइक इंडियन मार्केट में लॉन्च होगी। आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों कि KTM ने भाई कुछ दिन पहले ये दिया था, मतलब स्टेटमेंट दिया था कि फिलहाल अभी हम 790 सीरीज जो है उसमें काम नहीं करेंगे। मतलब सीधी सीधी सी बात ये हो जाती है कि 790 सीरीज फिलहाल इंडियन मार्केट में डिसकंटिन्यू है और वापस भी शायद ही आएगी। बट हाँ, KTM ड्यूक 490 को लेकर न्यूज़ आ रही है कि इस बाइक को इंडियन मार्केट में इस साल के एंड तक, जी हाँ, नवंबर मंथ तक जो है कंपनी लॉन्च कर सकती है। इसके जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इसके लुक एंड डिज़ाइन के बारे में। देखिए दोस्तों KTM ड्यूक 490 का लुक एंड जो डिज़ाइन होने वाला है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को वैसा ही देखने को मिलेगा जैसा लुक आप लोगों को दोस्तों KTM ड्यूक 390 में देखने को मिलता है। हालांकि 390 भी थोड़ी सी चेंज होगी, बट भाई ऑलमोस्ट सिमिलर जो लुक है वो आपको दोनों बाइक का लगभग देखने को मिल जाता है। ड्यूक 490 में भी आप लोगों को फ्रंट में जो लाइट देखने को मिलेगी वो काफ़ी बेहतरीन मिलेगी। इसमें आप लोगों को सेम वही LED लाइट दी जाएगी जो कि KTM की ड्यूक 390 में दी जाती है, तो ये भी एक एडवांटेज पार्ट है क्योंकि उसकी जो लाइट है वो काफ़ी अच्छी है। फ्रंट में आपको बाइक में 43 mm ही अपसाइड डाउन सस्पेंशन मिलेंगे, बट उसमें भी आपको एक एडवांटेज मिलेगा कि इसमें आप लोगों को 110% जो है मतलब एडजस्टेबल फ्रंट सस्पेंशन जो है इस बाइक में देखने को मिलेंगे, तो ये भी एक अच्छी चीज़ आपको ड्यूक 490 में देखने को मिल जाएगी। बात कर लेते हैं फ्रंट ब्रेकिंग के बारे में। ब्रेकिंग में आपको बाइक में ऑब्वियसली बात है डुअल चैनल एंटी लॉक जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो कंपनी देगी, और प्लेट साइज तो ऑलरेडी बहुत बड़ा है, 320 mm के आसपास की प्लेट साइज बाइक में मिलने वाली है। फ्रंट में 1170 की जो टायर साइज है वो ड्यूक 490 में होने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों इस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। इंजन इस बाइक की सबसे बड़ी जान होने वाली है। इसमें आपको KTM की तरफ से 483.3 cc का पैरेलल ट्विन लिक्विड कूल DUSC जो इंजन है वो आपको बाइक में देखने को मिलेगा। पैरेलल ट्विन मतलब ट्विन सिलेंडर यानी कि डुअल सिलेंडर इंजन आपको इस बाइक में मिलने वाला है। दोस्तों बात करें पावर एंड टॉर्क के बारे में, ड्यूक 490 मैक्सिमम पावर में अराउंड 60 के आसपास की PS पावर जनरेट करेगी एंड 45 से 50 के आसपास का जो इंटरमीडिएट टॉर्क है वो ड्यूक 490 में देखने को मिलेगा। और आई थिंक दोस्तों ये पावर कम नहीं होती एक ट्विन सिलेंडर बाइक के लिए भी और एक नेकेड सेगमेंट की बाइक के लिए, मतलब बाइक की जो परफॉर्मेंस एंड पावर है वो आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों कि KTM की जो बाइक होती है परफॉर्मेंस के मामले में इनका कोई तोड़ नहीं होता, ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। बात करें दोस्तों इंजन के और भी स्पेसिफिकेशन में, तो कूलिंग सिस्टम में लिक्विड कूल इंजन होगा, फ्यूल सिस्टम में बाइक में FI होने वाला है जिसे फ्यूल इंजेक्टर भी कहते हैं। बाइक में आपको नंबर ऑफ 2 सिलेंडर यानी कि 2 सिलेंडर देखने को मिलेंगे जैसा मैंने आपको पहले बताया था। बाइक में 6 गियर होने वाले, बाइक में आपको स्लीपर क्लच भी देखने को मिलेगा और जो किक शिफ्टर है वो भी आपको ड्यूक 490 में मिलने वाला है। मतलब दोस्तों बाइक का जो इंजन होने वाला है वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल होने वाला है, और आपको अच्छे से पता है कि KTM की बाइक कुछ करे ना करे बट परफॉर्म ये बहुत तगड़ी करती है, तो ये चीज़ें आपको बाइक में इंजन में देखने को मिलेगी। दोस्तों रियर में आपको बाइक में टेल लाइट में काफ़ी प्यारी सी LED टेल लाइट मिलने वाली है। रियर में आपको बाइक में बताना चाहूँगा 150/60 के टायर साइज मिलेंगे, 230 mm की जो डिस्क प्लेट है वो आपको रियर में मिलेगी। बात कर ले बाइक के माइलेज एंड परफॉर्मेंस के बारे में। माइलेज में दोस्तों ये बाइक आपको अराउंड 25 के आसपास का जो माइलेज है वो निकाल कर देने वाली है एंड टॉप स्पीड अराउंड 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर पर आवर के आसपास की जो टॉप स्पीड है वो आपको ड्यूक 490 में देखने को मिल सकता है। बात करते हैं दोस्तों इस बाइक के स्पीडोमीटर के बारे में। स्पीडोमीटर में आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं बाइक में वही स्पीडोमीटर मिलेगा जो कि ड्यूक 390 में आपको TFT डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसमें आपको काफ़ी सारे फीचर देखने को मिल जाएंगे लाइक स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, क्लॉक, ABS लाइट, गियर डिस्प्ले, फ्यूल गेज, गियर इंडिकेटर, सर्विस रिमाइंडर, लो ऑयल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी इंडिकेटर, इंजन चेक इंडिकेटर, ऐसे सारे फीचर आपको बाइक में मिलेंगे। मोबाइल कनेक्टिविटी भी आपको मिलेगी, और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों फीचर्स के मामले
में भी ड्यूक 390 एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बाइक है भाई, बहुत ज़्यादा इसे पसंद किया जाता है। फीचर्स के मामले में भी इस बाइक का कोई तोड़ नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों आपको KTM की जो ड्यूक 490 मिलेगी ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बाइक होने वाली है, और भाई इसका क्रेज़ भी इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। हालांकि प्राइस भी सुन लीजिए, ये एक्सरूम प्राइस अराउंड 350,000 रुपये के आसपास की एक्सरूम प्राइस जा सकती है, मतलब 4,30,000 रुपये के आसपास की ऑन रोड जाएगी। जब 390 सिंगल सिलेंडर होकर 3.5 जा सकते हैं तो इतना तो जाएगी। बाकी कौन कौन इसका वेट कर रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप दोस्तों आपको छोटी सी वीडियो अच्छी लगेगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।